सबसे पहले मैं बंकी महाराज को मेरा नमस्कार और श्रद्धा ज्ञापन करता हूं और आप सभी से मेरी शुभकामना शुभेच्छा और हैप्पी न्यू ईयर ये नया साल शुरू हो गया सबको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये जो भक्ति योग में जो स्वामी विवेकानंद जो गुरु शिष्य का जो लक्षण बता रहे हैं हम जो अच्छी से पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा ये गुरु का जो लक्षण है ना वो भगवान श्री राम कृष्ण का लक्षण है और जो शिष्य का लक्षण जो बता रहे स्वामी विवेकानंद वो अपने आप का लक्षण वो वैसा तो नहीं बता मेरे ऐसा में ऐसा लक्षण है ऐसी बात नहीं है लेकिन जब हम पढ़ते ठीक ढंग से तो हम देखते हैं कि ये जो जो लक्षण है गुरु का लक्षण वो भगवान श्री राम कृष्ण का लक्षण है और जो शिष्य का लक्षण स्वामी विवेकानंद का लक्षण है हम देखते जब श्री राम कृष्ण के पास जो स्वामी विवेकानंद आते हैं और जब पूछते आपने ईश्वर को देखा देखा है तो श्री राम कृष्ण देव कहते हा मैंने देखा है तुमको दिखा सकता हूँ लेकिन आप देखिए श्री राम कृष्ण सिर्फ स्वामी विवेकानंद को ही कहा कि मैं तुमको दिखा सकता हूँ उसके बाद बहुत हम देखते वसनामित में किसी को नहीं बोला ऐसा कि मैं तुमको भी दिखा दूंगा सिर्फ स्वामी विवेकानंद को ही बोला और इसके बाद जो ठाकुर जी कहते बहुत इंपॉर्टेंट है ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर है। है, को कौन देखना चाहता लोग अपने बच्चे के लिए अपनी स्त्री के घड़े घड़े आंसू बहाते ईश्वर को कौन चाहता है सच बात यही है तो यहाँ श्री कृष्ण देखा कि ये जो शिष्य के जो पवित्रता पहली बात तो स्वामी विवेकानंद वही पवित्रता थी दूसरा लक्षण लक्षण यह कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्ची পিপাসা जो व्याकुलता कहते हैं तो व्याकुलता हम देखते हैं वो भी स्वामी विवेकानंद में थी अध्यवसाय खंड धैर्य ये जो सीसी के जो लक्षण हम देखते हैं वो सब स्वामी विवेकानंद में थे और कहते हैं कि इतनी পিপাসা होनी चाहिए श्री रामकृष्ण बताते हैं कि कैसी भगवान की प्राप्ति के पिपाशा होनी चाहिए वो एक बताते कि ने अपने गुरु को पूछा कि ईश्वर के लिए कैसी व्याकुलता की जरूरत है तो वो गुरु उनको ले गए नदी में स्नान करने के लिए और जब शिष्य ने नदी में जब डुबकी लगाई तो गुरु ने उसका सर ऐसे पानी में दबा दिया कि वो तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ी देर के बाद जब उसने हाथ हटा लिया तो शिष्य को पूछा कैसा अरे क्या प्राण निकल जाए ऐसा लग रहा था तो गुरु ने कहा ऐसी व्याकुलता होने से तुमको ईश्वर प्राप्ति हो देखिए कितनी व्याकुलता और गुरु में विश्वास विश्वास इतना विश्वास। गुरु ने जो बोला यहाँ कहते हम जो रामचरित मास में देखते हैं जो पार्वती जब नारद मुनि ने कहा तुम भगवान शिव के लिए तपस्या करो तो पार्वती तपस्या कर रही है और कहते तब भगवान शिव सप्तषी को भेजते परीक्षा करने के लिए पार्वती तपस्या करी और ये सब तिव तो बोल अरे तुम किसके लिए तपस्या शिव के लिए किसने बोला नारद अरे नारद नारदी ने अरे नारद की बात जिसने सुनी है ना सबका घर उजड़ गया किसी का बसा नहीं आज तक और तुम नारद की बात सुन रहे हो क्या और भगवान शिव तो जोगी झटाधारी उसका घर बार नहीं है तो दिगंबर रहते तुम उसके साथ शादी क्यों करी हम तुमको भगवान विष्णु के साथ शादी साथ करें लक्ष्मी उनकी दासी। तब पार्वती जो कहते है ना गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा वो जो स्वामी विवेकानंद जो कहते कि अध्यवसाय कितनी पार्वती में पार्वती कहते जन्म कोटि लग रग ही हमारी वरहु संपूर्ण तरह को मैं कोटि कोटि जन्म के लिए इंतजार करने के राजी करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करूंगी लेकिन वरहु संपूर्ण तरह कुमारी और कहती है तजहुना न नारद करूपदेशु आप कही सत बार में जो नारद मुनि ने मुझे कहा मेरे गुरु ने उसका उपदेश में कभी त्याग नहीं कर सकती स्वयं भगवान शिव आकर सत बार कहे एक सौ बार कहेंगे आप कही सत बार में से मैं भगवान शिव की बात नहीं सुनता मैं सिर्फ मेरे गुरु की बात सुनूंगा तो, तो ये ये गुरु के लिए गुरु की बातों में जो श्रद्धा होनी चाहिए गुरु ने जो कहा उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए तो हम यहाँ देखते हैं कि गुरु के प्रति ऐसी विश्वास और स्वामी जी कहते हैं ना ए राइज अवे स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच तुमको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुकना नहीं चाहिए अब लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी पता नहीं लेकिन हमारे में ऐसी ऐसा धैर्य होना चाहिए धीरज होनी चाहिए या हम रामचरित मास में सबरी की बात देखते सबरी को भगवान राम का दर्शन कब हुआ दर्शन होने के बाद शरीर छोड़ दिया मृत्यु के अंतिम क्षण तक सबरी इंतजार करती रही उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान राम नहीं उनके जो गुरु थे मातंग मनुष्य इसने कहा कि भगवान को तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आए देखिए वो रोज इंतजार करे सबरी भगवान राम आएंगे राम 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 रही है और मृत्यु के समय हम देखते मृत्यु के पहले भगवान राम का दर्शन हुआ और उसने भगवान राम के सामने अपना शरीर छोड़ दिया तो ये धीरज जो प्रतीक्षा हम सबरी में देखते हैं जो सबरी के जो प्रतीक्षा है तो ये प्रतीक्षा हमारे में होनी चाहिए और यहाँ कहते ना स्वामी विवेकानंद गुरु क्या करता है अपनी शक्ति को शिष्य में संक्रामित करते हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में श्री राम कृष्ण ने कहा का, जब काशीपुर उद्यान वाटी में थे श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ पास में बैठा तो उसने देखा कि श्री राम कृष्ण से कुछ शक्ति निकल के उसमें प्रवेश करु किस गुरु में इतनी ताकत होती वो दूसरे में शक्ति संक्रमित कर सकते हैं लेकिन देखिए ये शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए हम ठाकुर जी के जीवन में देखते हैं कि हृदय भी था जो उनको भांजा था श्री रामकृष्ण देव का वो ठाकुर के पास रहता सेवा करता था तो एक बार उसको कहा मामा तुमको जो भाव समाधि होती है ना मुझे भी कुछ हो जाए तो अच्छा है ठाकुर ने कहा अरे भाई तुम मेरी सेवा कर तो उससे ही तुम्हारा होगा जरूरत नहीं 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 मामा मेरा कुछ कर दीजिए ठाकुर जी का ठीक है माँ की इच्छा उनसे होगा और एक बार जो जा रहा है ठाकुर जी के साथ और उसने देखा अचानक देखा कि उसका जमीन पर नहीं गिरा है वो सब आकाश में चल रहे है। और उसने अपनी और देखा रे देवता बन गया वो तो चिल्लाने लगा मामा हम जगत का उद्धार करेंगे चलो 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 और देखा अपना शरीर देवता जैसा गया इतना चिल्लाने लगा ठाकुर ने कहा सारा कर करके उसको उनकी साथी पर हाथ रखा तो सब भाव चला गया मामा तुमने क्या क्या अरे ठाकुर तो मैं कितना देखता हूं। तुम थोड़ा देखने वो इतना चिल्लाने लगा तो यहाँ कहने की बात यह है कि देखिए भाव सहन करने की जो शक्ति उसमें नहीं है मथुर बाबू में हम देखते मथुर बाबू ने इस पर कहा था जो तो रानी रासमणि के जो जमाए थे उसने भी कहा था ठाकुर मुझे कुछ कर दीजिए ठाकुर ने उसको भी मना किया भाई तुम जैसे हो वैसे रहो कुछ नहीं नहीं बाबा कुछ कर दीजिए भाई ठीक है एक बार देखा कि बाबा को बुलाते ठाकुर जी क्या हुआ उसकी आंखों से पानी गिर रहा है उसने कहा ठाकुर जी ये तीन चार दिन होगा कुछ काम नहीं कर पा रहा पानी गिरता है पुलक हो रहा है ये सब ये सब मुझे नहीं चाहिए आपके पास ही रखिए ठीक है, है ना तो बात ये है ये सिर्फ शक्ति हम देखते स्वामी विवेकानंद में थी पर माँ शारदा थी हम देखते ठाकुर ने जब सोरसी पूजा की सोरसी पूजा करने के बाद अपनी साधना का समस्त फल उसने माँ के चरणों में अर्पण किया और माँ कैसे बैठी है समुद्र जैसे ठीक है समुद्र में अलग अलग नदी आती है आकर नदी मिलित होती है समुद्र कभी तृप्त नहीं होता पानी से जीतना भी यहाँ कहते ये जो श्री राम कृषि साधना है वो सरिता है सरिता रूपी साधना सब मां शारदी में प्रवेश करती है महासारदी सागर जिसे उसमें कोई चंचलता नहीं सब ग्रहण करती इतनी शक्ति महासारदी में थी और नरेंद्र नाथ में भी थी स्वामी विवेकानंद में भी थी तो हम देखते हैं कि ठाकुर जी ने सोरसी पूजा के बाद अपना समस्त फल किसको दिया के चरण में समर्पित किया और दूसरा क्या देखते हैं हम देखते है काशीपुर में श्री राम कृष्ण देव नरनाथ को कहता है कहता है कि मैंने तुमको शब्द के फकीर हो गया तो एक बार मेरे मन में प्रश्न आया था अच्छा यहाँ ठाकुर जी माँ को भी देते हैं चरणों में सब कुछ फिर नरनाथ को दे तुम तुमको भी दे रहा हूँ तो ये सब दो बार सब तो दे दिया कि रहा क्या है एक बार मेरे मन में प्रश्न आया था तो मैंने स्वामी भूतेश्वर ने मा प्रश्न किया था के ये जो महा शारदा देवी को ठाकुर ने सब अर्पण कर दिया फिर कहते हैं नरनाथ को मैंने तुमको शब्द के फकीर हो गया तो ये सब बार बार सब दे रहे सब कुछ तो कहे बात क्या है तो स्वामी संग बहुत अच्छी बात कही थी उसने कहा था पूर्ण मदक पूर्णमिदम पूर्णनाथ पूर्ण मदे पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण में वापस यहाँ पूर्ण का अर्थ है इनफिनिटिव अनंत अनंत से अनंत लेने के बाद भी अनंत ही रहता है ये पूर्णा का मतलब ये है तो देखिए ठाकुर जी इसमें अनंत शक्ति है ठीक है तो उसमें जो भी जितना भी दे वो कभी कम होने वाला है नहीं <coughs> तो हम देखते हैं यहाँ श्री राम कृष्ण देव और ये स्वामी विवेकानंद ये जो भक्ति योग ठाकुर जी कहते थे कि ये भक्ति युग धर्म है देखिए ज्ञान युग में क्या होता है ज्ञान युग में ये जगत मिथ्या है जगत अनित्य है जगत ऐसा करके काम को छोड़ना है क्रोध को छोड़ना है अहंकार को छोड़ना है। ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है ठाकुर जी वस नामिक ने बहुत अच्छी बात कर भक्ति युग युग धर्म है क्यों भक्त युग में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता तो क्या करना पड़ता है भक्ति युग भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम जो एक बार हमको भगवान के प्रति प्रेम हो जाए देखिए हमको जिसके प्रति प्रेम हो जाता है ना उसको भूलना मुश्किल हो जाता है ठीक है ना कोई किसी को प्रेम करता है बाद में वो जो भी काम करते है उनकी याद आती है कर भाई जो भी हो तो यहाँ कहते ठाकुर जी कहते माँ का जिससे अपने बच्चे के प्रति प्रेम है माँ देखिए अपने बच्चे को कितना प्यार करती कभी बच्चा ने कहा कि मैं आठ बजे वापिस आ जाऊंगा तो आठ बजे नहीं आया नौ दस बज गए माँ सब काम करते उसका मन लेकिन कहाँ रहता है बच्चे के पर तो देखिए ये जो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए ठाकुर जी कहते हैं तो क्या होगा ये काम क्रोध मोह ये अपने आप चला जाएगा भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा कि ये हमको ज्यादा कोई हम पर असर नहीं कर पाएगा तो इसीलिए भक्ति योग ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति युग धर्म है तो यहाँ भी हम देखते ठाकुर जी ओ, जो स्वामी जो ठाकुर जी की जो बात है वही स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं यहाँ भक्ति योग में हम पाते हैं कि कहते हैं कि जो ठाकुर जी कहते थे यही बात स्वामी विवेकानंद दोहराते हैं कि जो कोई आम के बगीचे में गया और वो कुछ कुछ लोग क्या है सिर्फ गिनते हैं कि आम का कितना पेड़ है कितना पत्ता है लेकिन कोई कोई आदमी क्या करता है वो सब गिनने की बात दूर रहे वो आम खाना शुरू कर देते तो ये हमारा जो ये यहाँ जो आने का मतलब है श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर दर्शन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो हम जो यहाँ आए हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए ठीक हम सब काम करेंगे और शिव ज्ञान से जीव सेवा हम संसार में है ठीक है हमारे माता पिता में भगवान है हमारे जो दोस्त है उसमें भगवान है जिनकी भी सेवा करेंगे भगवान समझ कर सेवा करेंगे और जो भगवान का नाम स्मरण मन करते रहेंगे तो ये हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम हो जाए ये हम रामचरित मानस में भी देखते हैं जब भगवान श्री राम जब वापस लौटे अयोध्या में रावण को मारने के बाद बाद में एक बार उसने सब प्रजाजन को बुलाया वो प्रजाजन को कहते भगवान राम कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्या बात है भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाप ये जो मनुष्य जन्म जो पाना ना बहुत बड़ी भाग्य से मिलता है हम चौरासी लक्ष्य योन में कब कितने बार कुत्ते होकर बिल्ली होकर ये भेंस सब गाय भैंस कितना सब भूक जन्म पता नहीं भगवान कृपा करके हमको मनुष्य जन्म देते अति भाग मानुष तन पावा यहाँ कहते जो मनुष्य जन्म पावा ये कहते कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा देवताओं को भी दुर्लभ है देवता क्या है देखिए हम जो पुण्य करते हैं ना पुण्य का फल हमको प्राप्त करना है तो सब देवता होते और बाद में क्या स्वर्ग में जाते हैं लेकिन स्वर्ग में क्या मुश्किलें पता है स्वर्ग में जिसने जैसा पुण्य किया है ना उसके मुताबिक वहां भोग की व्यवस्था है जिसका पुण्य सबसे ज्यादा होता है ना वो वहां का राजा इंद्र हो जाता है लेकिन इंद्र को हर समय टेंशन रहता है कि जो कोई मेरे से ज्यादा पुण्य वाला आ जाएगा तो मेरी गद्दी चली जाएगी गद्दी की चिंता इधर भी है उधर भी है ठीक है ना और क्या होता है और कहते पुण्य मर्त लोक जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब क्या होता है <coughs> तब फिर उसको फिर ये पृथ्वी में आकर जन्म लेना पड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग में भी सब सुखी नहीं है देवता। सूरज दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा कहते भगवान श्री राम और कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही मनुष्य जन्म से ही हम मोक्ष प्राप्त ये द्वार है निकलने का द्वार देखिए हमारा सचमुच बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सबको मनुष्य जन्म मिला है दूसरा भाग्य है कि श्री राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद के विचारधारा में हमको आने का मौका मिले ये भगवान की बहुत कृपा है देखिए बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो श्री राम कृष्ण का जो ये आदर्श है उसमें क्या है सचमुच जिसको भगवान प्राप्त करना है वो लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हो जाएगा ठीक है कहाचैैनी लगती है आप एक काम कीजिए नहीं ये हाथ देकर ये सर में ऐसा कर दीजिए मेरा तीसरा नृत्य खुल जाए नेत्र है ना तीसरा मेरी बेचैनी दूर हो जाए ऐसा कुछ कर दीजिए मैंने कहा देखिए माताजी आपको जैसे बेचने तो मुझे भी होती थी बीस बीस रुपए की बात ही है तो जब मुझे बेचनी होती मैं क्या करता हूँ पता है मैं ठाकुर जी के मंदिर में जाता हूँ ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ वो प्रार्थना करते बेचनी दूर हो जाती है आप भी वही कीजिए हम किसी के ऐसे कपाल में कुछ कर देंगे ऐसे ऐसा हमको पता नहीं तो सचमुच लेकिन माता सचमुच मंदिर में गई और प्रार्थना किया और आठ दस दिन के बाद आकर कहा सच महाराज मेरी बेचैनी दूर हो गई तो देखिए यहाँ हम ऐसा नहीं बच्चा हो जाएगा ऐसा हम नहीं कहते नहीं। हम सब लोग प्रयत्न करें प्रार्थना करते प्रयत्न करते करते क्या होता है सचमुच सब हमारे सबके जीवन में शांति होती है और ये ये ठाकुर जी की जो भावधारा है महा की भावधारा है देखिए दो दिन के बाद ही माँ शारदा देव की जन्म तिथि है और माँ ने हम सबको बहुत बड़ा आश्वास दिया है माँ ने कहा है धूलो कादा माखे, आमी ताके झेड़े कोले तुले ने। पहले मैं बंगाली में बोलता हूँ बाद में हिंदी में बोलता हूँ मेरा लड़का जो धूला तो रगड़ेगा मैं उसको साफ करके अपनी गोद में उठा लू गोद में उठा देखिए धूला कादो के का मतलब क्या है कभी हम कोई दोष हो गया अपराध हो गया कोई पाप हो गया लेकिन माँ के पास जाकर हम जब स्वीकार करेंगे मां के पास तो माँ क्या करेगी सब हमारे पाप को क्षमा कर देगी माँ के पास हम देख देख ऐसी महिला आई कि मैंने बहुत पाप किया है इतना पाप क्या है तुम्हारे घर के अंदर आने की, की मेरी योग्यता नहीं है माँ ने क्या किया माँ घर से बाहर आई उनका हाथ पकड़ा उसको गले लगाया अंदर ले आए। और कहा जो तुमने किया है कि अब मत करो बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ? ये हम इसमें भी देखते हैं ये भक्ति योग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आज जो हम है ये जो हमने हमारे भूतकाल में जो किया है न उससे स्वरूप आज हम है और हमारा भविष्य क्या होगा हम जो अभी जो करे उससे हमारा भविष्य उसके पर निर्भर करता है तो हम अपना वर्तमान को सुधार दें जो हमने हमसे गलती हुई अपराध हुआ हुआ ठीक कोई बात नहीं अब हम नहीं करेंगे ये जो हम पक्का जो हम निश्चय कर ले तो हमारा जीवन सचमुच सुधर जाएगा और कहते भगवान के नाम इतनी शक्ति है कि कोई श्री राम कृष्ण कहते एक बार कोई भगवान का नाम करता है उसका देह मन प्राण शुद्ध हो जाता माँ कहते मैं गोद में उठा लूंगी साफ करके देखिए साफ करने का मतलब क्या है जब कादू रगड़ जाता ना हम देखते हम जब छोटे बच्चे थे तो खेलते थे खेलते खेलते पैर में धूल जम जाती अच्छी स्नान नहीं करते तो माँ क्या करती थी माँ पकड़कर बाथरूम में लेकर पैर तरह ऐसे रगड़ती घसती थी ऐसा लगता चमड़ा उठ जाएगा ठीक है ऐसा अरे चिल्लाते फिर फिर भी नहीं छोड़ती थी तो देखिए कभी कभी हमारे जीव में दुख आता है ना तो माँ साफ करती है थी, क्योंकि गोद में और माँ की जो कृपा माँ ने कहा जो आए है जो आएंगे जो जो नहीं आए आएंगे सब के लिए ऐसे आशे सब जाने के तो तुम्हारे दिन माँ जो लोग आए है जो आए नहीं आएंगे सबको बता दो तुम्हारी माँ है तो देखिए माँ की कृपा इतनी है माँ ने जो छोटी छोटी बात कहे ना ये सचमुच वो जो हम अपने जीवन में पालन कर पाएंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा माँ कहती है, डर क्या? भगवान जी पीछे है और मैं भी साथ हूँ देखिए कैसे भय की सर्वदा जानवी ठाकुर तुम्हारे कि डर क्या तुम हर समय सोचो कि तुम्हारे पीछे ठाकुर मैं हूँ मैं मारे थे भाई क्या तुमको डर क्या <coughs> देखिए सर्वदा जो हम सोच ऐसा सोचेंगे कि ठाकुर जी और माँ हमारे साथ है हमसे कोई पाप नहीं हो और सच बात तो ये है कि हमको पता नहीं ये जो हम बोल रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं ये अंदर में भगवान बैठे इसीलिए हम बोल पा रहे और भगवान भी इसीलिए सुन पा रहे ममी जीव लोके श्री श्री भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में सब हम भगवान के अंश है ये जो हर समय हमको जो याद रहे कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। ये जो याद रहेंगे और भगवान के प्रति जो हमारा जो प्यार हो जाए तो भगवान को भूलना कठिन हो जाएगा और भगवान हर समय मेरे साथ है ये जो हमको याद रहेगा हमसे कोई पाप नहीं होगा ये पाप जो वृत्ति ना वैसे छूट जाए तो बस दो दिन के बाद ही माँ का जन्मदिन है और माँ ने कहा था मैं सबकी माँ हूँ एक लड़का माँ के पास दीक्षा गया था और माँ ने उसको दीक्षा दी दीक्षा देने के बाद कहा देखो ठाकुर जी का फोटो था ये तुम्हारे इष्ट है ये तुम्हारे गुरु है तो लड़का ने कहा आपने मुझे दीक्षा दी आप मेरे गुरु है ठाकुर जी के गुरु होंगे तो माँ ने कहा नहीं मैं तुम्हारी माँ तू तो बच्चा का मेरी माँ तो घर पे मैं तुमको क्यों माँ कहूँ सच बात है ना देखिए सबकी अपनी माँ होती है दूसरी को क्यों माँ बोलेंगे मेरी तुम अपने घर में है माँ ने कहा मेरी और अच्छी तरह देखो तो मैं तुम्हारी सचमुच गर्भधाणी माँ हूँ कि ना तो बच्चे ने देखा ना तो सचमुच वहां उनकी गर्भधारी माँ बैठी तो देखिए माँ कहते हैं जननी जननीम शारदाम देव जन्नी किसको कहते हैं जिसके पेट से हमारा जन्म होता है ना उसको जननी कहते हैं और माँ हमको ऐसा क्या लगता है कि हमारा माँ के पेट से जन्म हुआ है उसका भी एक एक सा प्रसंग है माँ जब बाग बाजार में थी एक बार दोपहर खाने के बाद जो विश्राम कर सो रही थी और आस पास में वैसे महिला भक्त लोग बैठे थे और बात कर रही थी सोते सोते और इसमें माँ ने एक निश्चा को पूछा अच्छा तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है ना जहाँ तुमको उसको क्यों नहीं लाई तो निष्ठा देव ने कहा देखिए वो तो इतनी नटकट है यहाँ आएगी तो ये यह, यहाँ तो इतना दौड़ धूप करेगी दौड़ेगी तो तुम्हारे तो विश्राम नहीं होगा वो तो बहुत नटकट है तो माँ ने कहा ये देखो ना राधु राधु इतना हल्ला करती है कभी कभी मुझे मारती है मेरी माँ जो है ना वो कहती थी तुम्हारे तो पेट में एक भी किसी का जन्म नहीं हुआ तुम दूसरे का अत्याचार कैसे सहन करती हो तब क्या हुआ उसके पास एक महिला बैठी उसने कहा माँ हमारा जन्म तो तुम्हारे पेट से नहीं हुआ तो हम क्या तुम्हारे संतान नहीं है जैसे माँ ने सुना माँ सोई हुई बात करती थी उठ बैठ कर खड़ी हो गई बैठ गई और इतने गुस्से से बोलने लगी क्या कहा तुम्हारा जन्म मेरे पेट से नहीं हुआ जगत में जितनी स्त्री है सब में मेरा सब का जन्म मेरे पेट से हुआ है आप देखिए माँ कहती मैं गुरु पत्नी नहीं हूँ मैं कहने के वाली माँ नहीं हूं बातो बातों बातों की माँ मैं सचमुच जननी हूँ मैं अच्छे लोगों के भी जननी हूँ सत्य की माँ की माँ हूँ देखिए ऐसी जगत जननी माँ हमारी है हमारा सब अपराध क्षमा करने के लिए तैयार है सिर्फ हम बस हमारी एक माँ है या याद रखे ना माँ कहते आमा के माँ बोले डाके आमिथ के फिर थे पारो हम जो माँ कहकर पुकारेंगे ना माँ उनको कभी वापिस नहीं जा तो दो दिन के बाद ही माँ का जन्मदिन है तो बस हम को माँ के पास प्रार्थना करे माँ के चरणों में के हम सबको उनके चरणों में आश्रय मिले और हमारा जीवन धन्य हो जाए यही जीवन में हम आनंद प्राप्त करें शांति प्राप्त करे आप सबके साथ मिलजुल कर मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुझे आप लोगों ने मौका दिया ये ये मुझे कुछ पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है तो पहली बार में ऑनलाइन ये कुछ बोलने का मुझे मौका मिला इसलिए बंकी मार्ज का आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद और कभी आप लोग गुजरात आइए पधारिए भूज में आइए और मैं तो इंदौर आया था आपसे मिला था आप भी आइए सबको स्वागत नमस्कार धन्यवाद महाराज जी मैं निवेदन मैं अभी जो जिसका प्रश्न है आज के विषय पर गुरु और शिष्य के लक्षण तो वो अपने मोबाइल ऐप में हैंड रेस कर सकते हैं प्रणाम महाराज जी हाँ बोलिए महाराज जी तर्क वितर्क और प्रश्न प्रति प्रश्न में क्या अंतर है तर्क वितर्क में यह होता है कि तर्क में हम ऐसा सोचते हैं मैं जीत जाऊ ठीक है न हम दूसरी बात दूसरी दूसरे की बात मान में तैयार नहीं है वो सो तर्क वितर्क कहते हैं तो वो सब मैं मैं ही सच हूँ ठीक है ना दूसरे की बात जो तर्क वितरक कहते ना ऐसा सोचते मेरा ही तर्क ठीक है ने? और प्रश्न में क्या है जिज्ञासा हम जानना चाहते ठीक है मुझे पता नहीं हम्म मैं आपसे कुछ जा, जानना चाहता हूँ तो ये ये प्रश्न उत्तर है आपने पु, कुछ पूछा मैंने उत्तर दिया लेकिन तर्क में क्या होता है नहीं मैं जो बोलता वही ठीक है ठीक है ना ये तर्क वितर्क होता है तो इसमें ऐसा होता है कि नहीं आप अपने को सच कहने का मैं जो कहता वो सच है वो साबित करने का प्रयत्न कर तर्क वितर्क में और प्रश्न उत्तर में क्या है मैं समझने का प्रयत्न कर आप जो बोल रहे हैं है? मैं आपको पूछ रहा हूं आपने जो उत्तर दिया तो मुझे मेरा समाधान होगा तो ये प्रश्न उत्तर है, है? शिष्य में तर्क वितर्क बुद्धि भी होना चाहिए या जिज्ञासा एक अपनी जगह है तर्क वितर्क की बुद्धि नहीं होना चाहिए जो मुझे पता नहीं है वो मैं हाँ ये हो सकता है कि जो उसने जो बोला वो ठीक है कि नहीं मैं परीक्षा कर सकता हूँ जैसे हम देखते स्वामी विवेकानंद हैं ठाकुर जी तो कुछ पैसे को स्पर्श नहीं कर पाते थे हैं उसने जब सुना तो नहीं वो परीक्षा करनी चाहिए उसने उनकी जो सैया थी उसके नीचे रुपया सिक्का रख दिया वो ठाकुर जी बैठने लगे तो उसको ऐसा बीची को डंख जैसा मारता ऐसा लगा तो हम परीक्षा कर सकते हैं लेकिन जो प्रश्न तो गुरुजी को किसी को भी हम प्रश्न कर सकते हैं लेकिन हाँ जब हम देखता है कि हमारे समाधान हो रहा है तो हमको उनकी बात को मान लेनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि को, कोई कोई तर्क वितर्क करते हैं बात मानना नहीं चाहते ठीक है तो ये नहीं होना चाहिए हाँ हम प्रश्न हो सकता है प्रश्न का समझ ठाकुर जी भी कहते हैं साधु को दिन में देखो रात में देखो बाद में विश्वास करो हुँ? तो हम जो जिस को अपना जीवन समर्पण करेंगे हैं उसके प्रति वो जो बात कहता है अपने जीवन में पालन करता है नहीं वो तो हमको देखना पड़ेगा ना जो वैसे मैं बात करता हूँ आपके साथ और जीवन मेरा दूसरी तरह का है तो उससे तो कोई फायदा मुझको भी नहीं होगा है दूसरे को किसी को भी नहीं होगा तो हमको ये भी बोलना देखना है कि जो बात जो करते हैं वो अपने जीवन में पालन करते हैं कि नहीं तो इसीलिए वो तो हमारे मन में संशय तो रह सकता है लेकिन जब हम समझ जाए तो उस पर विश्वास करना चाहिए वही बात महाराज जी ठाकुर जी ने तीन प्रकार के भक्त बताए हैं अधम मध्यम और उत्तम थोड़ा इसे समझाएंगे ठाकुर जी ने तीन प्रकार के गुरु बताए गुरु ठीक है ना जो अधम गुरु कहता है ना वो बोल देता है सी से उसका पालन किया नहीं किया वो नहीं देखता नहीं। जो मध्यम होता है वो वो भी देखता है कि पालन करता है कि नहीं जैसे ठाकुर जी कहते हैं डॉक्टर की बात कहते हैं ठाकुर जी है हैश्राम में कोई डॉक्टर है कोई उसका पास रोगी आया तो ठीक है ये दवा खाइए बस बता दिया है और छोड़ दिया दूसरा देखता है खाया के नहीं वो भी देखता है और तीसरा क्या होता है वो जो नहीं दवाई नहीं खाता ना तो उसके सर पर बैठकर उसका छाती दबा कर उसका गला दबा वो दवा खिला देगा तो ठाकुर जी कहते हैं कि कोई अधम गुरु है मध्यम गुरु उत्तम गुरु उत्तम गुरु ऐसा होगा कि नहीं शिष्य ने मैं जिसको बोला उसको पालन करना है नहीं करेगा तो गला भी दबा देगा ठीक है तो, तो ने कहते तीन प्रकार के गुरु है आ, तो ओम शांति 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 ही हरि ओम तस्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु